हेलो एवरीवन, दिस इज राम कड़े एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू निंजा ट्रेडिंग। सो सबसे पहले तो यार वेरी वेरी सॉरी कि आज की वीडियोस थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है। नाउ इससे पहले हम लोगों ने 31 कैंडलस्टिक पैटर्न, एक पावरफुल टॉपिक को हम लोगों ने कंडक्ट किया था, लेकिन उसे हम लोगों ने अभी तक के बैक टेस्ट नहीं किया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मेनली छोटी रखेंगे वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, लेकिन जितने भी हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोगों ने पढ़े, कुछ शॉर्ट्स में मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ और कुछ होमवर्क आपके लिए है ताकि आप कुछ बैक टेस्ट करके खुद देखो। सो ओके देन, विदाउट डेलिंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन। सो बिफोर स्टार्टिंग द कैंडल स्टिक पैटर्न, इसकी पहली क्लास में भी आप लोगों को ऑलरेडी एक बात बता चुका हूं मैं कि ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड करना ये कोई वाइज डिसीजन नहीं रहेगा। हम लोगों को क्या करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न को एक प्रॉपर एरिया ऑफ वैल्यू पे अगर वो फॉर्म हो तो ही वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ये हम लोगों ने इसके पहली क्लास में ऑलरेडी हम लोग अटेंड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के हम लोगों ने सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा है, तो हम लोग एक बार उनको भी बैक टेस्ट कर लेते हैं, उनका रिजल्ट भी देख लेते हैं और इसके आने वाली एक दो तीन क्लास के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि एरिया ऑफ वैल्यू, इंपॉर्टेंट जोन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं और उन एरिया ऑफ वैल्यूज या फिर इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर में जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम बनते हैं तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लेकिन ठीक है, अभी तक के हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न तक के देखा, तो हम लोग प्योर उनको भी देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। ऑलराइट, सो आप लोगों के सामने ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पेयर्सिंग लाइन पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट आया यहां से, नीचे जा रहा था और यहां क्लोज देने के बाद में देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट डायरेक्टली अप ऊपर जाना शुरू करता है और प्रीवियस डे के कैंडल के 50% के भी ऊपर में वो क्लोजिंग दे देता है। ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम है, यहां अगर आप टाइम फ्रेम को चेक करोगे वन डे का टाइम फ्रेम है और इसके बाद में मार्केट एक अपसाइड में मूव किया हुआ है। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पियर्सिंग लाइन पैटर्न। सो इसका दूसरा देखते हैं हम लोग, चलो मैं आप लोगों को स्लाइड पे लेके जाता हूं, वहां पे उस पैटर्न्स को देखते हैं और इन्हें साथ में बैक टेस्ट भी हम लोग करते हैं। सो दूसरा पैटर्न कौन सा था हमारा, दूसरा पैटर्न था हमारा डार्क क्लाउड कवर। मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और अचानक एक बड़ी रेड कैंडल गैप अप ओपन होके प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी के नीचे में जाके क्लोज हो, सो दैट्स अ डार्क क्लाउड कवर। देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक। सो ये एग्जाम्पल है निफ्टी बैंक का और ये भी डेली टाइम फ्रेम पे है। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, डार्क क्लाउड कवर या तो पियर्सिंग लाइन ये बेस्ट काम कर, ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम मतलब फॉर्म होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सो आप देखो मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होके डायरेक्टली नीचे गिरना शुरू करता है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी के 50% के नीचे आके क्लोज कर देता है। सो उसके बाद में आप डायरेक्शन देख सकते हो मार्केट की। सो ये दो एग्जांपल थे डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग लाइन के। आप लोगों को होमवर्क है, ऐसे पैटर्न आप लोग और ढूंढिए। आप जाइए स्टॉक्स पे या तो इंडेक्स पे, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या तो कोई क्रिप्टो करेंसी के चार्ट्स को विजिट कीजिए, या तो कोई फॉरेक्स के चार्ट को, या तो कोई कमोडिटी के चार्ट को विजिट कीजिए। जितने भी हम लोगों ने पैटर्न्स को पढ़ा ये हर एक स्क्रिप्ट पे काम करेगा, हर जगह पे काम करेगा, बिकॉज इट्स अ प्योर प्राइस एक्शन। तो आपको होमवर्क है, ये थोड़ा सा खुद से भी आप लोगों को ढूंढना है। तब तक हम लोग थोड़े से दूसरे पैटर्न्स को देखते हैं एक बार। सो दूसरे हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार हैमर एंड ग्रीन इन्वर्टेड हैमर इन द डाउन ट्रेंड। इसमें इनके क्या फंक्शंस होते हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसके कुछ लाइव एग्जांपल अभी हम लोग देख लेते हैं। सो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे काइंड ऑफ एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। आप देखो कि यहाँ पे स्टार थोड़ा सा हल्का सा स्टार टाइप में भी है और थोड़ा सा हल्का सा एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ भी है, उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल, सो एक रिवर्सल पैटर्न बनता है और ये हमारा एक मॉडरेट पैटर्न है। इसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट की डायरेक्शन किस तरीके से रिवर्स हुई। सो कुछ और एग्जांपल हम लोग इसी के देख लेते हैं। और सो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है, मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में यहां पे भी एक इन्वर्टेड कैंडल हैमर कैंडल बनती है और उसके बाद में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है। थोड़ा मोड़ा मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न है, 90% स्ट्रांग है क्योंकि प्रीवियस रेड कैंडल की कंपैरिजन में ये देखोगे थोड़ी सी
बड़ी बनी हुई है कैंडल, है ना, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। सो उसके बाद में अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया, मार्केट को इस जगह पे एक हाइयर प्राइस रिजेक्शन मिला, यहां से मार्केट डाउन हो गया। सो अभी आप लोगों को बिलीव हो रहा होगा कि किस तरीके से कैंडल्स आप लोगों को स्टोरी बताते हैं, कहानी बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रीफर कैंडलस्टिक पैटर्न। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से जा रहा है, यहां पे देखो मार्केट को एक लोअर प्राइस रिजेक्शन, है ना, एक हैमर कैंडल बनी, मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ सेटअप बना और मॉडरेट पैटर्न है, ये मॉडरेट सेटअप है, 60% एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है उसके बेस पॉइंट पे, उसके बाद में मार्केट का अपसाइड का मोमेंट। सेकंड देख लेते हैं, यहां पे भी वही सीन है, एक हैमर कैंडल बना, एक रिवर्सल पैटर्न बना हमारा और उसके बाद में मार्केट एक अपसाइड में गया। तो हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए ऐसे सेटअप्स में? फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सेटअप बनता है, सो इस ग्रीन कैंडल पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे अपना एंट्री कर लिया, इस पैटर्न के नीचे में हमारा स्टॉप लॉस और ऊपर तक के हमारे टारगेट्स, सो कुछ इस तरीके से हम लोग इनको ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी हम लोग थोड़े से और दूसरे पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, कुछ रिवर्सल बेरिश रिवर्सल पैटर्न के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सो बेरिश रिवर्सल के हम लोगों ने मेनली तीन पैटर्न देखे थे, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। सो इसके कुछ लाइव एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं। ऑल राइट, मार्केट यहाँ पे सबसे पहले एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में होने के बाद में एक मॉडरेट पैटर्न बनता है शूटिंग स्टार का और यहां से मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड में मूव करता है। यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे सो ये एक इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न भी है और ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी है ना, ट्विजर बॉटम बना क्योंकि दोनों का लो सेम था, यहां से मार्केट एक अपसाइड में मूवमेंट किया। सो इस तरीके से भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं। और कुछ देखते हैं हम लोग, और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सो यहां देखो मार्केट ऑलरेडी एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में था, एक बड़ा सा शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, टूटता हुआ तारे की तरह ये दिख रहा है और यहां से सीधा मार्केट नीचे की तरफ में रिवर्स कर गया। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में था, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है 90% स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के साथ में, यहां से मार्केट ऊपर जाता है, दूसरे दिन गैप अप ओपन होता है और उसके बाद में क्या होता है, एकदम टॉप पे शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। दिस इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर एक अप ट्रेंड में बने और रेड कलर की बने, सो इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। उसके बाद में मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ में फॉल कर गया। सो दूसरे और कुछ पैटर्न्स देखते हैं हम लोग। ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ इवनिंग स्टार, मार्केट एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड पे है, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना और यहां से मार्केट डायरेक्टली नेक्स्ट डे तक के फॉल करता गया। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नाउ दिस इज अ चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो देखो ये चार्ट पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है और एक रिवर्सल पैटर्न बनता है कंप्लीट और यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल देता है हम लोगों को। सो कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं। अब थोड़े से दूसरे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोगों ने और कौन से पैटर्न्स देखे थे उसके साथ में उसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो कुछ नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों ने इंगल्फिंग पैटर्न, मारुबोजु पैटर्न एंड ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न्स को हम लोगों ने देखा था। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है इनका। ऑलराइट, सो स्टोरी गोज लाइक, मार्केट एक शॉर्टर अप ट्रेंड में है और उसके बाद में यहाँ पे एक ट्विजर टॉप टाइप में भी पैटर्न बना हुआ है, ट्विजर टॉप टाइप में भी पैटर्न बना है। क्यों? क्योंकि दोनों के अगर आप देखोगे तो हाई पॉइंट सेम है और उसके बाद में ये कुछ बेरिश इंगल्फिंग टाइप में भी पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न बनने के बाद में मार्केट नीचे ट्रैक डाउन हो जाता है, उसके बाद में देखोगे यहाँ पे एक मॉडरेट, एक थोड़ा सा पुअर पैटर्न बनता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट डायरेक्टली अप जाके वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ दूसरे पैटर्न्स देख लेते हैं हम लोग साथ में। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपली ये कैंडल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग लोअर प्राइस रिजेक्शन मिला, मार्केट अपसाइड में गया। उसके बाद में ये कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है, मार्केट को एक हायर प्राइस रिजेक्शन मिला और मार्केट यहां से नीचे आ गया। सो कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बेहतरीन काम करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मार्केट एक शॉर्टर स्मॉल अप ट्रेंड में था, यहां पे काइंड ऑफ बेरिश इंगल्फिंग बनी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, इसे हम लोग डिलीट कर लेंगे। हाँ अगर आप देखोगे सो ये वाले कैंडल ने, इस रेड कलर के कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर में इंगल्फ कर लिया है और उसके बाद में अगर आप देखोगे सो मार्केट एक बहुत बेहतरीन डाउन ट्रेंड को स्टार्ट करता है। ऑलराइट, कुछ नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, हाँ ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है,
शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद में यहां पे क्या हुआ, सेम बॉटम से मार्केट रिवर्स हो गया बुलिश इंगल्फिंग। सो ये हमारा एक ट्विजर बॉटम का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां मैं जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहां पे देखना दोनों का बॉटम जहां मार्केट क्लोज हुआ था प्रीवियस टाइम पे, वहीं से मार्केट शुरू और डायरेक्टली अप साइड में मूवमेंट करना शुरू किया और एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया। सो ट्विजर बॉटम भी था, एक बुलिश इंगल्फिंग भी थी कैंडल, और उसके बाद में मार्केट की डायरेक्ट कंटिन्यू आप मूवमेंट देख सकते हो। सो दैट्स हाउ कैंडलस्टिक वर्क्स। नेक्स्ट और देख लेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। मार्केट एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में था, यहां पे आप देखोगे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है और उसके बाद में मार्केट हमारे डायरेक्शन में डायरेक्टली मूव करता है। ऑलराइट, और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों ने देखे थे ऑर्निक पैटर्न, उसे बुलिश काउंटर अटैक भी बोलते हैं। दूसरा बेरिश ऑर्निक पैटर्न, उसे बेरिश काउंटर अटैक भी बोलते हैं। और साथ ही साथ कुछ इनसाइड बार कैंडल के हम लोगों ने फॉर्मेशंस देखे थे, उसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स को हम लोगों ने समझा था। तो उसे कुछ लाइव एग्जांपल के साथ में समझते कि ये कैसे काम करते हैं। सो दिस इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ बेरिश हरामी पैटर्न और यू कैन से द इनसाइड बार कैंडल। अगर आप देखोगे मार्केट एक शॉर्टर टर्म अप ट्रेंड में था, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद में, मदर कैंडल बनने के बाद में एक बेबी कैंडल बनती है, उसे हम लोग बेरिश हरामी बोलेंगे क्योंकि रेड कलर की बनी है, ग्रीन कलर की हमारी मदर कैंडल है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपली मदर कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लिया, नीचे में ब्रेकडाउन मिलता है, सो इसे हम लोग थ्री इनसाइड डाउन भी बोलते हैं, है ना, हमने ये भी पढ़ा था। उसके बाद में एक अच्छा खासा हमें डाउन मूव मिलता है। सो कैसे होनी चाहिए थी हमारी एंट्री, यहां पे एज सुन एज ये हम लोगों को ब्रेकडाउन मिला, यहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए मदर कैंडल के हाई के ऊपर में, और नीचे का हमारा ये टारगेट होना चाहिए। सो 1:1.5 और यू कैन से 1:2 का हम लोगों को टारगेट यहां पे मिल रहा है क्लियर कट। सो कुछ दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ओके, सो दिस अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बुलिश काउंटर अटैक। ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, और ऐसे बुलिश काउंटर अटैक ये जो पैटर्न्स है ये मेनली डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को अगर समझ पाए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक अप ट्रेंड का है, तो हम लोग इंट्राडे में भी क्या प्लान करेंगे, हम लोग हमेशा बाई साइड बुलिश ट्रेड से हम लोग हमेशा देखने की कोशिश करेंगे अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड मार्केट का अपसाइड का है तो। सो यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और एकदम से क्या होता है, दूसरे दिन यहां देखो मार्केट यहां क्लोज होने के बाद में गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद में सीधा ऊपर चल के एक ग्रीन कैंडल बना बना देता है और वहीं पे आके क्लोज होता है जहां पे प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुआ था। ये इसे बोलेंगे हम लोग इसकी नेकलाइन, और नेकलाइन पे क्लोज होने के बाद में देखना डायरेक्टली आपको मार्केट एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूव देता है। सो इसे ऑर्निक पैटर्न भी हम लोग बोल सकते हैं, या तो बुलिश काउंटर अटैक भी बोल सकते हैं। सो कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी आप लोगों को फिर होमवर्क रहेगा, इससे पैटर्न को आप थोड़ा सा खुद से भी स्टडी करिएगा, इससे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स कौन से वो समझने में मिलेगा, मदद मिलेगी। मार्केट एक शॉर्टर डाउन ट्रेंड में था, जहां प्रीवियस डे क्लोज हुआ था उसे सीधा गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर चलना शुरू करता है, और वहीं पे क्लोज होता है जहां प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुआ था, और वहां से आप देखोगे तो मार्केट की एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट शुरू होती है। ऑलराइट, सो इसके बाद में जो बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न कुछ हो सकते हैं वो आप लोगों को थोड़े से खुद से ढूंढने हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों ने देखे थे थ्री व्हाइट सोल्जर एंड थ्री ब्लैक क्रोस, तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। So, ये जो पैटर्न है ये हमारी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी हो सकते हैं और रिवर्सल पैटर्न्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में एक पॉज लेने के बाद में थ्री व्हाइट सोल्जर काइंड ऑफ पैटर्न बनता है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे इन तीनों कैंडल के पास में लगभग बहुत छोटी विक है, या तो बिल्कुल ना के बराबरी की विक है। मैं जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे देखो, नाउ थ्री कंसिस्टेंट ग्रीन कैंडल शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बुल, एंड उसके बाद में ध्यान से अगर आप देखोगे सो मार्केट डायरेक्टली गोज अप। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगेन दिस अ गुड एग्जाम्पल ऑफ थ्री व्हाइट सोल्जर्स। सो यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, और अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं यहाँ पे, यहाँ आप देखोगे सो एक ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, मतलब मार्केट जहां पे क्लोज होता है
उसी जगह से एग्जैक्टली एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, हमारा पहला सिंबल। दूसरा एक अगेन पावरफुल कैंडल बनती है ग्रीन, तीसरी भी अगेन एक पावरफुल कैंडल बनती है ग्रीन। सो इट कंफर्म्स अवर थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न। और ये पैटर्न बनने के बाद में अगर आप देखोगे, सो दूसरे यहां से ऊपर जाके यहां क्लोज हो गया मार्केट, एंड दूसरे दिन डायरेक्टली गैप अप ओपन होके मार्केट यहां से और अपसाइड मूव किया है। सो दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न। सो यहां पे देखेंगे अगेन थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न, मार्केट एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में था, एक पॉज लिया, अगेन वही सेम पैटर्न बनता है, थ्री कंसिस्टेंट पावरफुल बुलिश कैंडल विथ मिनिमल विक्स और एटली और यू कैन से नो विक्स। उसके बाद में मार्केट की अगेन एक अपसाइड में मूव हुई, यहां पे काइंड ऑफ शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड अप ट्रेंड में बनी हुई इन्वर्टेड ग्रीन है, इन्वर्टेड हैमर, ग्रीन है रेड है उससे मतलब नहीं है। सो इट शोज द बेरिश रिवर्सल बिकॉज द मार्केट इज गेटिंग द हायर प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम हियर एंड देन मार्केट गोज डाउन। सो कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे काम करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन का चार्ट है। अगर आप देखोगे मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करते करते यहां पे ट्विजर बॉटम पैटर्न बना हुआ है, ट्विजर बॉटम के साथ साथ एक मारुबुजू पैटर्न और यही इंगल्फिंग पैटर्न भी था, और यहां से मार्केट एक अपसाइड में मूव करता है, यहां पे एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, यहां से मार्केट डाउन मूव करता है, यहां पे एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, यहां से अगेन मार्केट अप मूव करता है, यहां पे अगेन एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, यहां से मार्केट नीचे आता है, और ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए कंसिस्टेंट थ्री पावरफुल रेड कलर की कैंडल बनती है। इट शोज द थ्री ब्लैक क्रोज, है ना, द पावरफुल बेरिश कैंडल विथ वेरी स्मॉल विक्स और यू कैन से विथ एटलीस्ट विथ नो विक्स। और उसके बाद में जैसे जूम आउट करके दिखाता हूं, जरूरत नहीं है, यहां से मार्केट डायरेक्टली एक बड़ा फॉल दिया हुआ है हम लोगों को डाउन साइड में। सो कुछ इस तरीके से ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ। सो नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों के थे डोजी पैटर्न एंड स्पिनिंग टॉप। इसे स्पिनिंग टॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि टॉप की तरह दिखता है, घूमता हुआ भवरे की तरह। सो ये जब भी फॉर्म होता है तो यहां से पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की 50-50 होती है। सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये किस तरीके से काम करता है, आप लोगों को थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करना है। दूसरा पैटर्न था हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न में, नाउ ये एक बहुत बढ़िया पैटर्न था राइजिंग थ्री मेथड्स पैटर्न। इसका भी आप लोगों को क्या करना है, खुद से थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स देखना है। मैं ये भी आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बन सकते हैं, आप लोगों को इसे थोड़ा सा खुद से ढूंढने का कोशिश करना है। चलो एक दो एग्जांपल में अगर मान के चलते हैं मुझे मिलते हैं मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, लेकिन ये होमवर्क है, आपको इसे खुद से ढूंढना है। ऑल राइट, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे सो यहाँ पे एक ट्विजर टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, सेम हाई से यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, और यहां से मार्केट नीचे में ट्रेंड करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्या होता है, या इस पैटर्न को ध्यान से देखो, दिस इज आवर फॉलिंग थ्री मेथड्स काइंड ऑफ पैटर्न। लेकिन मैंने आप लोगों को एक नोट बताई थी इस पैटर्न में कि बीच में जो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल है ये तीन की जगह पे दो भी फॉर्म हो सकती है, चार या पांच भी फॉर्म हो सकती है, बट इट लुक्स लाइक एन। और आप यहां पे देख सकते हो मार्केट यहां से इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मार्केट एक बेयर ट्रेंड में था, बनाता है और उसके बाद में और डाउनसाइड में ये मूव करना शुरू करता है। सो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। राइजिंग थ्री मेथड्स का एग्जांपल आपको थोड़ा सा खुद से ढूंढना है। ऑलराइट, दैट्स द होमवर्क फॉर यू। सो नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों ने देखा था अपसाइड तसुकी गैप एंड डाउनसाइड तसुकी गैप, ये भी डेली टाइम फ्रेम पे बनते हैं, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न है। आप लोगों को अगर ये नहीं पता तो आप लोगों इससे पहली जो क्लास हुई थी क्लास 5 उसे आपको देखना चाहिए, वहां पे इसके बारे में बताया। इसके एग्जांपल आपको होमवर्क है, खुद से ढूंढना है। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न है, दैट इज राइजिंग विंडो एंड फॉलिंग विंडो। इसके एग्जांपल हम लोग कुछ लेंगे, एक या दो। सो वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ राइजिंग विंडो पैटर्न। यहां पे आप देखोगे मार्केट एक अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में जाने के बाद में यहां पे एक राइजिंग विंडो, इसे ब्रेकअवे गैप भी बोलते हैं, दूसरे दिन क्या हो रहा है, मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो रहा है एंड कंटिन्यू बुलिश कैंडल्स बनाते हुए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और डायरेक्टली मार्केट यहां से अपसाइड में जाता है। सो ये क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट अगर गलती से यहां पे रिवर्स भी करता, सो ये जो एक गैप बना हुआ है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करता और मार्केट यहां से रिबाउंड हो जाता अपसाइड में। सो ये कुछ इस तरीके से भी काम करती है राइजिंग विंडो पैटर्न। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, अगेन दिस अ गुड एग्जांपल ऑफ राइजिंग विंडो, द चार्ट ऑफ निफ्टी 50, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड के बाद में अप ट्रेंड में गया,
एक राइजिंग विंडो पैटर्न उसने बनाया और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट एक अपसाइड मूव हम लोगों को देता है। सो पहला हमारा जो चार्ट था ये भी निफ्टी का एग्जाम्पल था, ये भी निफ्टी 50 का एग्जाम्पल है ऑलराइट। सो आपको निफ्टी बैंक या फिर कोई और चार्ट्स को आपको ओपन करना है और उसमें आपको देखने का कोशिश करना है कि क्या सच में ये सारे पैटर्न्स काम करते हैं। चलिए मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल जो आज के दिन में, मतलब आज जो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में जो आज फॉर्मेशन कुछ हुए होंगे उसके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देन विल क्लोज आउट टुडेज क्लास। सो दिस आर टुडेज चार्ट ऑफ निफ्टी 50। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक ट्विजर बॉटम पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जा रहा है, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना के फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। एक उसी सेम सपोर्ट लेवल से, उसी सेम लेवल से मार्केट एक लोअर प्राइस रिजेक्शन हैमर कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन लेकर, एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न लेकर मार्केट नीचे जा रहा है। सो दैट्स हाउ कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क्स। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये काइंड ऑफ पियर्सिंग लाइन काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर चलने लगा, प्रीवियस कैंडल के बॉडी के 50% के ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट अपसाइड में जाता है। यहाँ पे देखो एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार शूटिंग स्टार बना, यहाँ से मार्केट डाउन, एंड यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना। अभी ये डबल बॉटम क्या है मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, चलो नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड में जाता है। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हम लोग इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक की जो भी हमारी लर्निंग थी उसे एंजॉय किया होगा और आप साथ ही साथ आप सीख भी रहे होंगे सारे पैटर्न्स को और इस सारी लर्निंग को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और अगर अभी तक के आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, उस बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो आएगी वो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिले। सो मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली क्लास में, दैट इज हाउ टू ट्रेड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो टिल देन यू पीपल टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।